माया सीता का वाद। विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाथ का वध करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बाण ले राम के चरण स्पर्श कर मेघनाथ का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाथ के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्नत खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की। हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मारकाट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर कारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ पैर आदि कट कट कर शोणित की सरिता में बह रहे थे। मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रुधिर सरिता में द्वीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राही त्राही कर उठी और उनका आर्तनाद सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रोध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा गया। वह भ्रकुटी चढ़ाकर उससे बोला, हे राक्षस कुलकलंक, तुम परम तेजस्वी पुलस्त्य वंश पर कलंक हो जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है और न कोई धर्मप्रायण व्यक्ति ही है, फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनाने के उद्यत हो गए। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। वह यह कर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाद के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बुधे, तुझे प्रलाप करते समय यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सम्मति दी थी, परंतु उसे मानना तो एक और, उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने का दम करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाथ की क्रोधाग्नि और भी भड़का दिया और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने इन बाणों को काट कर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रणोन्मत्त सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जयघोष किया। इससे मेघनाद को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले साते बाण छोड़कर उसका दुर्भेद्य कवच तोड़ डाला जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाद के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिनगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्तरंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में तैसू और सेमल के फूल खिल रहे हों। दोनों सेनाएं इन वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थीं जो युद्ध से न हटते थे और न थकते थे।